तो हाय गाइस, कैसा सारे सारे आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने अनबॉक्सिंग की थी बोया के एम1 की और मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से आप अपने बोया के माइक को वेरीफाई कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में करता हूँ आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अपने बोया के माइक को वेरीफाई कर सकते हो कि वो ओरिजिनल है या फेक है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले करता हूं वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड के साथ, साथ में करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखो दोस्तों, आप सबसे पहले एक क्लिप देखो, जो जैसे कि आप साइड में देख सकते हो। इस टाइम एक क्लिप मैंने क्या किया कि जब ये मेरा माइक आया, जहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये QR कोड है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये QR कोड है, इसको मैंने स्कैनिंग किया मेरे मोबाइल के स्कैनर से। तो वो ले गया मेरे को एक वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट थी, वो वेबसाइट थी इन बोया वालों की वेबसाइट, जहाँ पे आप पता कर सकते हो कि जो आपको प्रोडक्ट मिला आपको फेक है या ओरिजिनल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये मेरे को एक प्रोडक्ट कोड मिला हुआ है, ये तकरीबन 16 अक्षर का ये कोड है, ये मेरे को मिला हुआ है। और इसको आप वहाँ पे इनपुट करना होता है, मतलब इसको आपको वहाँ पे इंसर्ट करना होता है कि आपको पता लग जाए कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फेक है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, जैसे मैंने इसको वहाँ पे डाला, ये हो गया वेरीफाई। और लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट और देख लो, जैसे कि आप इस टाइम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो, जो मैंने कुछ टाइम पहले एक और माइक ऑर्डर किया था बोया का MM1, मतलब वो इसका नेक्स्ट वर्जन था बोया का M1 का, जो नेक्स्ट वर्जन है वो है बोया MM1, वो मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था। लेकिन जब मैंने उस प्रोडक्ट को वेरीफाई किया तो वो मेरे को मिला फेक, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि बोया का कोई भी माइक मंगाया जाए, कोई भी माइक मंगाया जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको प्रोडक्ट मिले यहाँ पे आपको स्क्रैच करना होता है। स्क्रैच कीजिए, QR कोड ओपन होगा, इसको स्कैन कीजिए, वो आपको एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा। और यहाँ पे जिसके आप एक नंबर देख सकते हो, इस नंबर को वहां पे डालिए, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि वो आपका प्रोडक्ट फेक है या ओरिजिनल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दो स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीन में एक है फेक और एक है ओरिजिनल। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि जो आपका माइक है, जो अभी आपने मंगवाया, कुछ भी मंगवाया है, वो ओरिजिनल है फेक है। मेरे को फेक मिला था, मैंने मंगाया था बोया का MM1, मैंने कुछ टाइम पहले उसके अनबॉक्सिंग भी की थी। आपने नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हो जाके, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देख लेना। मतलब अच्छा माइक था वो भी, लेकिन मैंने फिर उसको रिटर्न करना पड़ा क्योंकि वो फेक था। मैंने पे भी उतना ही किया ओरिजिनल माइक जितना, और फेक निकला तो क्या करें। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप माइक मंगवा रहे हो तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना जा रही है, यहाँ पे स्क्रैच करना होगा, यहाँ पे QR कोड ये स्कैन करोगे तो QR कोड निकल जाएगा, उसको स्कैन करो अपने मोबाइल के कैमरे के साथ जैसे स्कैन करो एक वेबसाइट निकलेगी, और वेबसाइट पे आपको ये कोड एंटर करना होगा। इस कोड को एंटर करने के बाद आपको पता लग जाएगा आपका प्रोडक्ट फेक है या ओरिजिनल है। तो दोस्तों, बस यही थी एक वीडियो में आप सभी को अवेयर करने के लिए वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, साथ में कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना, अपनी फैमिली का और अपनी का ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.